ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिये। शिवहर जिले के तरियानी छपरा में एक सरकारी स्कूल के छात्र के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल को 26 मार्च तक बंद किया गया। राज्य में पिछले दो दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी, 436 मरीजों का चल रहा है उपचार। और मौसम विभाग ने कल राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के तीन उपाय, मास्क लगाएं, दो गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। आज कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से बाहर से आने वाले लोगों के यात्रा के इतिहास की जानकारी रखने के भी निर्देश दिए। श्री कुमार ने प्रतिदिन होने वाली कोरोना की जांच में 70% जांच आरटीपीसीआर से कराने और इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी पर्व त्योहार या आयोजन में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों और कोविड दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय। मुख्यमंत्री ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के हर संभव उपाय करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि बिहार में कोरोना अभी वैसी स्थिति में नहीं है कि विद्यालयों को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी विद्यालय खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। इधर शिवहर जिले में एक स्कूल में कोविड संक्रमण का मामला सामने आने पर प्रशासन ने स्कूल को 26 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तरियानी छपरा प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में एक छात्र कोविड से संक्रमित पाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि स्कूल को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी शिक्षकों की कोविड जांच के निर्देश दिए गए हैं, जबकि बच्चे के संपर्क में आए अन्य लोगों का भी पता लगाने को कहा गया है। प्रदेश में पिछले दो दिनों से कोविड के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में 436 मरीजों का उपचार चल रहा है। अभी मात्र तीन जिले बांका, लखीसराय और शेखपुरा में ही कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 30 जिलों से कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए। इसमें सबसे अधिक 25 मामले पटना से हैं। एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो भी दिशा निर्देश थे सरकार के और स्वास्थ्य मंत्रालय के, जो गाइडलाइंस थे या प्रोटोकॉल थे, उसमें कुछ चूक तो जनता से हुई है। हमने देखा है कि कई जगहों पर जब से लॉकडाउन खत्म हो गई या धीरे धीरे छूट बढ़ाया गया, कुछ न कुछ लोग एहतियात बरतने में सतर्क नहीं रहे। कुछ फहमी हो गई या भ्रांति हुई कि अब कोरोना जा चुका है, अब कुछ नहीं होगा, तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना या समूह में इकट्ठे होना, इन सबों में कुछ ढिलाई जरूर है। कि ये मान लीजिए वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन का 100% यानी कि शत प्रतिशत कोई उपाय नहीं है कि इसके संक्रमण को रोका जा सके, तो हम बताते हैं कि आप ये सब एहतियात बरतें तो संक्रमण की संभावना कम होगी।
डॉक्टर कुमार ने कहा कि कोविड वायरस का नया स्वरूप अधिक संक्रामक है, जिसे देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जो दूसरा रूप आ रहा है, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, सार्स टू कोविड वायरस है, इसमें म्यूटेशन यानी अपनी प्रवृत्ति बदलने की क्षमता बहुत होती है, बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, और जो जीनोम है, जो सीक्वेंसिंग है आरएनए की, वो बदलती जाती है। तो इसका अगर हम कंट्रोल भी करते हैं तो म्यूटेट हो गया, दूसरी स्ट्रेन आ गई तो परेशानी होती है करने में। तो अभी तो हमारे देश में दूसरे स्ट्रेन की संख्या कम है, लेकिन यूरोप में और विश्व के दूसरे हिस्सों में दूसरी स्ट्रेन आई है और वो ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है लोगों के लिए। प्रदेश में अब तक 17,85,718 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 14,14,679 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 3,71,539 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 4,30,63,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। कुल मिला के 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को भारत में कोविड 19 का वैक्सीनेशन दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस 4 करोड़ की संख्या 16 जनवरी से वैक्सीन प्रोग्राम की सक्सेस को दिखा रहा है और बहुत खुशी की बात इसमें ये भी है, 60 साल की उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो इस 4 करोड़ की संख्या में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा स्पेशल फोकस ग्रुप है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी बहुत तेज होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में लगाए जा रहे कोविड के दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये टीके कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं, जिससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें, और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर, उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग करा कर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने 80 से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में शामिल किया है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी जाती है। पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मधुमेह रोधी दवाइयों में से कुल 81 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर दिए गए हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन की खुदरा कीमत 106.65 रूपये होगी। इस पर जीएसटी और अन्य प्रभार अलग से देने होंगे। इसी तरह अन्य उपयोगी दवाओं की भी अधिकतम कीमत तय की गई है। एनपीपीए के इस निर्णय से आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाएं मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सोने के आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था 1 जून से प्रभावी होगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सोने के आभूषणों की शुद्धता अब 3 ग्रेड में आंकी जाएगी। इसमें 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के आभूषण शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कल भी गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान अपने सामान्य के आसपास या 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। भौगोलिक स्थिति और मौसमी सिस्टमों की सपोर्ट की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण बिहार वाले जिलों में 1 से 2 जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। इधर आज 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकिनगर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। आज विश्व गौरैया दिवस है।
गोरैया की संख्या में लगातार आ रही कमी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2010 से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने वर्ष 2008 में मोहम्मद दिलावर को पर्यावरण का नायक माना था। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है। इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है। इस अवसर पर गोरैया संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में कई चित्र प्रदर्शनी, पोस्टर प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल दो पालियों में आयोजित होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नम्बर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा माई जीओवी प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में एसएसबी ने 3 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के आदापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बाजार से एसएसबी की 71वीं बटालियन ने एक मोटरसाइकिल सवार तस्कर को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ की खेप बरामद की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आज से T20 बिहार क्रिकेट लीग BCL शुरू हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव सहित कई खेल हस्तियां मौजूद रही। IPL की तर्ज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में इस लीग का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज खेले गए पहले मैच में अंगिका एवेंजर्स की टीम ने पटना पायलट्स को पराजित कर दिया। अररिया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद पद पर अकबरी खातून निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन पर RPF की टीम ने हिमगिरी एक्सप्रेस से 3 कछुआ तस्करों को 63 कछुआ के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के समसा पंचायत की मुखिया हेमा मौर्य की हत्या के आरोपी जगदीश महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत धुरियाही गांव में अगलगी की घटना में लगभग 1 दर्जन घर जलकर नष्ट हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिये। शिवहर जिले के तरियानी छपरा में एक सरकारी स्कूल के छात्र के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल को 26 मार्च तक बंद किया गया। राज्य में पिछले 2 दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी, 436 मरीजों का चल रहा है उपचार। और मौसम विभाग ने कल राज्य के दक्षिणी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। COVID-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।